जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पसीना भी बहुत अधिक निकलता है, लेकिन ये पसीना हमारे लिए समस्या तब बन जाता है जबकि बहुत अधिक दुर्गंध आती है। देखिए, हर किसी के पसीने में स्मेल तो आती है, ये एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ लोगों के पसीने में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। इतनी अधिक दुर्गंध आती है कि कहीं खड़े होने में शर्म आती है। तो इसके लिए आज आपको मैं बहुत ही आसान और घरेलू ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जिसमें आपका कुछ भी खास खर्चा नहीं होना है। 1-2 रुपये में आपकी परेशानी दूर होने वाली है। बस आपको रेगुलर इस चीज़ को यूज करना होगा और लगातार करना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री। जब पसीने में बहुत अधिक दुर्गंध है तो सबसे मेन चीज़, तो जब आप नहाते हैं अपने बाथरूम में, आप फिटकरी लेकर के रख लीजिए। अभी आप भागिएगा मत फिटकरी का नाम सुन के, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ। फिटकरी की बट्टी आती है साबुन जैसी, उस बट्टी को आप लेकर के रख लीजिए अपने वॉशरूम में। नहाने के बाद में, जब आप साबुन से नहा चुके हैं, उसके बाद में अपने गीले शरीर पर फिटकरी मल लीजिए, खास करके उन जगहों पर जहाँ पर बहुत अधिक पसीना आता है। उसके बाद आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कपड़े पहन लीजिए। फिर जब आप बाहर आते हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप उसको मिक्स करके रख लीजिए और नहाने के बाद में आप लगभग 10 मिनट के बाद में इस चीज़ को लगा लीजिए, या 5-7 मिनट के बाद भी लगा सकते हैं। आप 100 ग्राम गुलाब जल में लगभग 4 से 5 कपूर की टिकिया पीस के मिक्स कर लीजिए। 100 ग्राम गुलाब जल में छोटी वाली जो कपूर की टिकिया आती हैं, 4 या 5 पीस के मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिला के रख लीजिए। और जब आप नहा के बाहर निकलते हैं 5-7 मिनट के बाद में रुई के फाहे से इसी मटेरियल को आप लगा लीजिए अपने बॉडी में, और उन जगहों पर ज़रूर लगाइए जहाँ पर पसीना बहुत अधिक आता है। आप देखेंगे 2-4 दिन में ही आपके जो पसीने की दुर्गंध के कारण आपको कहीं खड़े होने में शर्म आती थी, आपको अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि कोई भी दुर्गंध अगर होती है तो खुद को भी बर्दाश्त नहीं होती है। पसीने की दुर्गंध भी ऐसी ही होती है जो कि अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं होती। तो आप इस मटेरियल को जब भी लगाना शुरू कर देंगे, 2-4 दिन में ही आपकी समस्या ख़त्म होती आपको नज़र आएगी। इसलिए इस चीज़ को मिला के रखिए, बहुत ही सस्ती चीज़ है। फिटकरी की भी अगर आप बट्टी लेके आएंगे तो भी 20-25 रुपए की मिल जाएगी। गुलाब जल वो भी इतना महंगा नहीं है, और कपूर तो हर किसी के घर में लगभग होता ही है पूजा पाठ करने के लिए, तो वही पूजा वाला जो आप कपूर लेते हैं, वही कपूर 4-5 टिकिया पीस के उसमें 100 ग्राम गुलाब जल में आपको डालनी है। इस मटेरियल को आप बना के रखिए और इसको आप रोज़ लगाइए। रोज़ आपको लगाना है, अगर आप संभव हो तो दोनों टाइम लगाइए, क्योंकि गर्मी के दिनों में लगभग सभी लोग रोज़ दोनों टाइम नहाते हैं, तो दोनों टाइम आप इसको ज़रूर लगाइए। कुछ ही दिनों में आपके पसीने की दुर्गंध खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।